अस्सलामुअलैकुम। अच्छा हाँ ये कल तक होमवर्क दिनो हो चयम तो तिसदा वो तो टे वेरिएबल हूँ परसेंटेज बारे में हमेशा ब तक मिलल हूँ टे बोलो हों हाँ तुम ये ए आई में ऐसी पाया तो ये टोटल वैल्यू आ यानी टी मिलल आ जायदाद जो कुल मुल हों मुल जो मतलब आ वैल्यू या उनकी वैल्युएशन या उनकी कीमत वह जारी गल टोटल हूँ ये परसेंटेज मिलल ऑटोमेटिकली समझी वा तो गोल्हणो पी फाइंड करणो ठीक है। वे बो नंबर जो इन में परसेंटेज मिलल हुई टैक्स अदा कल टैक्स जो होंगी टोटल प्रॉपर्टी को नंढड़ो हों यानी उनको कुछ पार्ट हों मिसाल ब लख की प्रॉपर्टी है तो असर 10-15 हज़ार टैक्स भरी इन साबित हो तो ये परसेंटेज भी मिलल है पार्ट भी मिलल है टोटल फाइंड करो टे किस्म जो उन्होंने तुम ऐसी सो टैक्स इन मतलब पार्ट ए टोटल वैल्यू इन मतलब ये टी थी वो ये पी थी वो बई मिलल परसेंटेज असें फाइंड करनी है हाँ इन में कुछ जो क्वेश्चन स्टूडेंट तकरीबन सब कर ये जो पॉइंट वो हो न कर सकें ठीक है। अग में तक टों नंबर कर दिखारा तो पो जैमें प्रॉपर्टी वैल्यू घनी है 8,14,500 टे परसेंट टैक्स पे करो कोई आयो दादा असें समझाया तो मैं घो टैक्स पे क्या यो तीन कद उन पा वरी पॉइंट वाले अचूँ था ठीक है। हाँ असं सभी को पैरों डेटा लिखासी तो असर डेटा कड़ो कड़ो है यानी असड़ी शूं मिलल ठीक थो डेटा में असदे तो असें टी मिलल है टोटल वैल्यू मिलल है 8,14,500 बो असें मिलल हुई परसेंटेज मिलल हुई घनी टे परसेंट तो असें टी ए परसेंटेज मिलल है इन मतलब असें पी फाइंड करणो इतने फार्मूलो लिखासी पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100 ठीक है। हाँ असं फिलिंग कदे परसेंटेज की जगह से घो रखे टे टोटल की जगह से घो रखे 8,14,500 रखे पी इतने 100 ठीक है। यो प्रोसीजर सो सागो तबर आन के एडे मल्टीप्लाई कदी इन मतलब 8,14,500 मल्टीप्लाई थी वा पी सागो एडो पे हों यानी ये बई रकम असा एडे शिफ्ट कदे ठीक है। ये एडे वंड में आ तो एडे अची टिन सा जरब जी अस लिखो आ 100 जरब में हो यो वो वंड ठीक थो हाँ असा कदे ब जीरो बिन जीरो कटी वासे इन मतलब आ पी थी 8,145 ब जीरो कटी वह मल्टीप्लाइड बाय 3 हाँ सिंपल असर जरब करनी है हाँ 8,145 मल्टीप्लाइड बाय 3 पंट्रिक 15 एक मथे वो 4 ट्रिक 12 एक 13 एक मथे वो 1 ट्रिक आई ट्रिक 4 8 ट्रिक 24 हाँ ऐसो ये असो अची 24,425 रुपया यह असा छा भरनी है टैक्स भरनी है 3% के हिसाब से जैसे असानी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ 8,14,500 3% टैक्स असानी है तो 24,425 रुपया पे कदा ठीक है। हाँ यो समझी हाँ अचों पे तो पॉइंट वो हिसाब कि हल कर अच्छा हाँ तुम बो एग्जाम्पल ऐसो जैमें तक चयम तो जो टोटल प्रॉपर्टी आ इनके लिखी वरतो आ वीडियो के पास कर तो टोटल जो प्रॉपर्टी आ 2,34,000 की है इनते परसेंटेज अस पे करनी है 1.4 हाँ 1.4 के तुम सोली सिंधी में समझी सो तकरीबन ये समझो खी 1.5% तक खबर आ डाई जेड़ों वो पूरा अद हों यानी फुल जो बो नंबर आसने 10 हिस्सों में विराया डाई जो मतलब यो आज 4 हिस्सा ठीक है। हाँ अचो ये सिर्फ तक समझाने के लिए बस सिंपली जो टोटल है तुम फार्मूलो लिख दो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज जो हिसाब हल कर में फार्मूलो जरूर लिखा कि अद मसलो हल थी हाँ जहाँ शे मिलल है वह पुट कदा वो एडो परसेंटेज अस मिलल है घनी 1.4 ठीक है। टोटल घो मिलल है 2,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतों पी सागो रखे ठीक है। हाँ ये एडे अची मल्टीप्लाई थो इन मतलब 2,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 100 जो जरब में हो ये छा थी वो वंड थी वो ठीक है। ए पी हाँ ये ब जीरो इन कटी वह ठीक है ब जीरो कटी वह बाकी बचो 2,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 ठीक थो हाँ तक समझाया तो डाई वाली जो जरब है वो तक ऑलरेडी सेखारिया जैसे डाई होंगी तो थोड़ी देर जला डाई हटा छी हाँ तुम समझद तो 234,000 रुपया 14 है माना तुम ये दर्जो ही है सॉरी 2,340,000 रुपया 14 हाँ तक बिटी जरब करनी पवी ठीक है। हाँ मैं कदम इत क्यों था 2,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 4 बुड़ी 4 चौक 16 एक मथे वो 4 ट्रिक 12 एक 13 एक मथे वो 4 2 8 एक 9 एक बंद कर छदासी ठीक है। हाँ एक जैसा जरब थी सागो दर्जो अची वो इन मतलब आ 0,4,3,2 ठीक है। टाइम वेस्ट न करें एक जरबिया एक बुड़िया बुड़ी 1 चौक 1 ट्रिक 1 ट्रिक 1 2 2 ठीक है। हाँ इतने 0 अची वो
हिते छंज अची है हाँ भी 20,000 रुपये इन मतलब तक अचान खे जी चुनो ना तो बेसिक कैलकुलेशन तुम स्ट्रांग होजन खपन वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कौ जी तीन पक्की थी वी हाँ ऐसो हाँ जोड़ करनी है ये 6 ये 4 & 3 7 & 9 & 3 12 & 1 मथे वो ये 3 अची वो हाँ इन मतलब इन जवाब आयो 3 2 7 6 0 ठीक है हाँ ये तो अची वो जवाब जैसे 14 से ज़र्ब कई हुई असर खबर आ 14 से ज़र्ब न हुई 1.4 से हुई इन मतलब आ तो डाई का एडो घना अंग हुआ एक अंग अस इतने डाई जो एक अंग यानी एक अंग का डाई दींदा राइट साइड छो दर्जे एकड़े में जैसे इत भी हुए मिसाल तो वो इत दर डाई हुए हाँ असं दिसूँ तो डाई एक अंग हेडे ब अंग हेडे इन मतलब टोटल 3 अंगन का डाई हुई तो असं इत भी डाई दई छो डाई वाली ज़र्ब में ऑलरेडी सेखारिया हुआ हाँ डाई एक अंग का हुई तो असं ओ इत डाई दिनी से डाई जो 0 कें कम जो ना इन मतलब कटे सटे इन जवाब 3 2 7 6 ये असो एंसर अच्छा हाँ किताब में ऐसा चेक क्यों तो एक्सरसाइज आ 7.1 उनको ए आ ए जो चौथों नंबर आ जैमें जैमें परसेंटेज 1.4 दिसी सको ता पया चौथों नंबर आ हाँ 7.1 जे ए जो चौथों असा दिसों तो जवाब असो सही आसो इत दिसी सको ता पया 7.1 ए में हलया वन चौथे नंबर ते ओ 3,276 दिसो 3,276 असा यो सागो ही जवाब कटियो आ 3,276 ठीक है सो यो किए थी दो डाई वाली ज़र्ब तक अचान खे बस सिंपल इज दैट हाँ तसो इन काफ़ी स्किल्स तुझा वो चेक कन तो यानी परसेंटेज सॉल्व करी या न जैसे पार्ट गोल्ण के लिए वे तो वो तक अचे तो या ना डाई वाली ज़र्ब तक इंदी है या न ठीक है सो डाई वो जो परसेंटेज मिलल हो तो उन्हें परेशान ना थियण सिंपल सागो ही तरीको आसनी के कहे हेड़े शिफ्ट कर जी मैं इतने किया इनके शिफ्ट कर आयासें इत अची मल्टीप्लाई थी 1.4 से 100 से डिवाइड कर 0 कटिजी वह बाकी जो सो मल्टीप्लिकेशन कई से वह जो 1.4 से थोड़ी देर दिला समझो 14 है 14 से मल्टीप्लिकेशन कई से ये जवाब आयो इतने असा डाई दई कर 0 खत्म कर छोड़ो बाकी 3,276 असो जवाब अची वो।